जी अस्सलाम वालेकुम। ओमेगा रेजिडेंशिया इंडिपेंडेंस कप के 22वें मैच के रिजल्ट के बाद उस्मान अली अनवर एक बार फिर आप खिदमत में हाजिर है। आज का मैच जो पाकलैंड क्रिकेट एकेडमी और लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जो कि पीसीए ने यानी पाकलैंड क्रिकेट एकेडमी ने बहुत अच्छे अंदाज से जीत लिया है। आज के मैन ऑफ द मैच समी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज 4 खिलाड़ी आउट किए और कैप्टन भी साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी आज 64 रन की बहुत शानदार इनिंग्स खेली और साथ कीपर भी हैं और साथ एक शिकार भी किया है। इनसे बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सही भाई मुबारक हो। क्या मुबारक। आज आपने अच्छी बॉलिंग की है, आज आप मैच भी जीते हैं काफ़ी अरसे बाद, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कैप्टन की वो माशाल्लाह बहुत उन्होंने समझाया जैसे कि ऐसे ऐसे बॉल करना है, बस वैसे किया इंशाल्लाह। लड़कों ने भी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 आउट किए हैं। 4 आउट किए हैं आपने। इश्तियाक भाई, आपने पहले तो आज बैटिंग के जौहर दिखाए, अच्छी बैटिंग की आपने, मज़ा आया देख के। आपने बहुत लेग पे 2 शानदार छक्के भी मारे, मैं वो लाइव देख रहा था। तो आज की इनिंग्स कोई ख़ास थी जो पहले नज़र नहीं आ सकी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले अनफॉर्चुनेटली के 2 मैचों में मैं नहीं चल सका, हार लग रही है। उसके बाद आज यही था कि इंशाल्लाह मैच विन करना है, और मेरी टीम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह एकजुट होकर खेली है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैच विक्ट्री हासिल की है। और लीग का आखिरी मैच था, आप मैच जीते हैं, तो आखिर में अपनी टीम को क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल के मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पाकलैंड जो क्रिकेट अकेडमी की टीम है ये बहुत सारी टीमों से बेटर हैं, और मैं इनसे यही कहूंगा कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के हम सरप्राइज़ देते रहेंगे अपने जो चेयरमैन हैं, जो हमारे सदर हैं क्लब के, उनको, और इंशाल्लाह ताला मोटिवेशन पैदा करेंगे और क्रिकेटर्स के लिए कि क्रिकेट कैसे होती है, इंशाल्लाह ताला ये लोगों को दिखाएंगे। आज का मैच पाकलैंड क्रिकेट अकेडमी ने अच्छे अंदाज से जीता है, तो टूर्नामेंट से तो तकरीबन बाहर हो चुकी है क्योंकि, लेकिन आज का मैच इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज जीता है, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी शुरू होगा, नेक्स्ट मैच जो भी होंगे, उसमें पीसीए अपनी इसी कारकर्दगी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। जी।